अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं आप सबके साथ पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने चार लिए हैं पाए, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले कुकर में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल मुझे ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि पाए में पहले ही ऑयल होता है, तो हम कम ऑयल ले रहे हैं यहाँ। और प्याज में साथ ऐड कर रही हूँ चार मीडियम साइज के, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब यहाँ प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक कुक कर लूँगी। प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ, चार टेबल स्पून है कुटा हुआ। और अब मैं इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। अदरक लहसुन भी अब ब्राउन हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें पाए ऐड कर दूंगी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऑयल में अच्छी तरह से पका लेंगे। पाए को ऑयल में पकते हुए 2 से 3 मिनट अब हो चुके हैं। अब मैं यहाँ टमाटर ऐड कर रही हूँ, 2 मीडियम साइज के। तो अब मैं यहाँ पाए का मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत ही अच्छा पाए में एक टेस्ट आ जाता है। तो इसके अलावा मैं घर के मसाले भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून बारीक कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक। तो अब हम पाए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों में। मसाले का हमने फुल पैकेट ही ऐड किया था इसमें। और अब हम इसमें पानी ऐड कर दें, इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी हमें इतना ही ऐड करना है जिसमें पाए अच्छी तरह से भीग जाए। तो हमने यहाँ पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पाए को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे कुकर को 1/2 घंटे के लिए। तो हम इसे नॉर्मल फ्लेम करके कुकर की इस 1/2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। और उस पर सीटी भी हमें लगा लेनी है। कुकर में प्रेशर आने के बाद हमें इसमें 1/2 घंटे की टाइमिंग नोट करनी है। तो अब यहाँ कुकर में पाए को पके हुए 1/2 घंटा हो चुका था और मैंने इसे एक बड़े से पतीले में निकाल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए यहाँ। तो मैंने अभी इसे इस तरह एक पतीले में निकाल लिया है और अब मैं इसे 5 मिनट तक भून दूंगी तकरीबन। अब यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे को इसमें जितना शोरबा रखना है इतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो पानी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे दम पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे दम पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। पाया अब बिल्कुल तैयार है और मैं इसे डिश आउट भी कर चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी लग रहा है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। वो 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 वो